वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू रोलिंग मिल्स। इससे पहले डिस्कस किया गया था जो प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग एंड एक्सट्रूशन, उसका कैसे वर्क है, कैसे काम करता है रोलिंग, कैसे उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्क है एक्सट्रूशन का, सब डिस्कस किया गया था। हर एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग एंड आपका ये डायरेक्ट एक्सट्रूशन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, सब डिस्कस किया गया था। तो आज जो इसमें इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इंट्रोडक्शन टू रोलिंग मिल्स, अब वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज एक बार ओवरव्यू ले लेंगे रोलिंग प्रोसेस के बारे में। चलिए जान लेते हैं रोलिंग, एक बार देख लेते हैं रोलिंग क्या है, फिर से एक बार याद दिला देते हैं। रोलिंग इज द प्रोसेस विच हेल्प्स द मेटल और बिलेट टू डिक्रीज इन थिकनेस एंड इंक्रीज इन लेंथ इन विथ इन हॉट स्टेट और इन कोल्ड स्टेट। तो अगर गर्म अवस्था में भी इसको रोल किया जाता है और ठंडा एट एंड रूम टेम्परेचर में भी इसको रोल ओवर किया जाता है, ठीक है। बाय पासिंग द बिलेट इन बिटवीन टू और मोर देन टू रोलर्स, दो रोलर अगर लगे हुए हैं, ठीक है, दो रोलर के बीच में से बिलेट को पास किया जाता है, ठीक है, बिलेट को पास किया जाता है। और अगर नंबर ऑफ थ्री हो तो फिर दोनों तरफ से प्रोसेस होता है, ठीक है, एक इधर से जाता है और एक इसको इधर से पास ओवर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस में क्या बेसिकली कुछ नहीं, फंडामेंटल बेसिक आप जान लीजिए। रोलिंग प्रोसेस द प्रोसेस जिसमें कि आप जो एक मेटल बिलेट को या फिर मेटल बार को एक दो रोलर के बीच में से, या फिर नंबर ऑफ दो से ज़्यादा हो सकता है, तीन रोलर चार रोलर हो सकता है, ठीक है, तो उसमें से आपको मेटल को गुजारते हैं और गुजारा जाता है। और नंबर ऑफ पासेस भी होता है, ऐसा नहीं कि दो रोलर के बीच में गुजारा गया फिर मेटल फॉर्म हो गया, मतलब जो शेप देना था वो मिल गया, ऐसा नहीं। आपको दो रोलर के बीच में बिलेट को पास कर रहे हैं, उसके बाद दो रोलर के बीच में पास हो गया, आपको जितना थिकनेस जितना घटाना था वो घट गया, जितना लेंथ आपको चाहिए था मिल गया, फिर से और एक नंबर ऑफ रोलर्स के बीच में से आपको उसको पासेस करवाना होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रोलर भी रहते हैं, ठीक है, ग्रुप रोलर, प्लेन रोलर, ठीक है, तो जैसा सेक्शन चाहिए उसके लिए रोलर का यूज़ किया जाता है। और नंबर ऑफ पासेस भी उतना हिसाब से डिपेंड करता है, बढ़ता है घटता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है, तो उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। तो ये हो गया रोलिंग प्रोसेस। इसमें हाई प्रेशराइज्ड प्रेशर से कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया जाता है बिलेट के ऊपर, और बिलेट को पास करने दिया जाता है दो रोलर के बीच में से, ताकि उसका जो थिकनेस है घटे और इसका जो लेंथ है लेंथ अपने इलॉन्गेटेड बढ़े, ठीक है। तो ये होगा रोलिंग प्रोसेस। आप देखते हैं आज रोलिंग मिल आगे जाके, आप चलिए शुरू करते हैं। अब तो बिलेट बेसिकली क्या होता है, बिलेट होता है मेटल का टुकड़ा, ठीक है, एक सर्टेन लेंथ तक का मेटल, एक जो रिफॉर्मिंग बार जिसमें कि एक आपका एक लेंथ के हिसाब से मिलता है ये, जैसे कि नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर का लेंथ का जो बिलेट मटेरियल बेसिकली पास करवाया जाता है, जिसमें आपका 300 टू 500 मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। तो बेसिकली ये हो गया आपका जो बिलेट मटेरियल, बिलेट हो गया जो कि इसको पास करवाया जाता है रोलर के बीच में से। तो बेसिकली रोलर्स बहुत टाइप का रोलर्स रहते हैं, ठीक है, प्लेन रोलर, तो नॉर्मली जितना सारा वर्क्स होता है उसमें से प्लेन रोलर्स एंड ग्रूव्ड रोलर्स, ओके, बेसिकली यूज होता है। तो प्लेन रोलर्स में बेसिकली जिसका जो रोलर रहता है उसका बीच का जो पार्ट रहता है वो प्लेन, मतलब एकदम सिंपल टाइप का रहता है जिसको घुमाया जाता है। और ग्रूव्ड टाइप रोलर में आप जो देख पाएंगे उसमें आपका ग्रूव्ड वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रूव्ड वेज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ग्रूव्ड वेज आपको देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप का रोलर आपको देखने के लिए मिलेगा जो ग्रूव्ड बीच में आपको ग्रूव टाइप करेगा, डिफरेंट शेप, जो शेप देना है, जो शेप आपको चाहिए बिलेट में, ठीक है। जो आपको एक बात बता दूँ, जो रेल का पटरी सब बनता है, ठीक है, रेल का पटरी जो लाइन बनता है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है,
बेसिकली नॉर्मली इस टाइप का, ओके ठीक है। इस टाइप का रहता है क्रॉस सेक्शन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए तो ये इसी को ये रेल का पटरी ऐसे रहता है, ठीक है, ओके। तो ये रोलिंग मिल से ही बनता है, ठीक है, ये रोलिंग मिल से ही बनता है। नंबर ऑफ रोलर्स उसमें अप्लाई किया जाता है, उसके बाद इसको फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जो काम होता है ब्लूमिंग मिल का काम होता है, जो कि मदर मिल, उसको मदर मिल भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लूमिंग मिल, ओके। ब्लूमिंग मिल का सबसे पहले का काम होता है, ठीक है, ब्लूमिंग मिल में जो होता है, जो ये आपका 1.5 मीटर, ओके, एंड स्क्वायर सेक्शन, सेक्शन अबाउट 300 to 500 मिलीमीटर थिकनेस, जो सॉरी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है, उसको क्या, उसको डिक्रीज किया जाता है ब्लूमिंग मिल के ज़रिए। ब्लूमिंग मिल में क्या होता है, दो रोलर रहते हैं जिसमें कि बिलेट जो इस क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ वाइज इसको पास करवाया जाता है, ठीक है, पास करवाया जाता है बेसिकली। एंड लेंथ कितना तक अचीव किया जाता है इसका, जब ये लेंथ हो गया 1.5 मीटर, जब ये 3.5 to 5.5 मीटर लेंथ आ जाता है तो उसको दूसरा रोल में इसको भेजा जाता है, ठीक है, दूसरा रोल में उसको भेजा जाता है। जब 3.5 to 5.5 मीटर या फिर 6 मीटर तक अगर आ जाता है लेंथ में ये इंक्रीज हो जाता है, तब उसको ब्लूमिंग मिल के में ब्लूमिंग मिल से बाहर निकाल के, मतलब कन्वेयर रहता है, ठीक है, बाहर ऐसे निकाल नहीं जाता, बस ऐसे ही उसको जब हो गया, बस एक दूसरा बुलेट फिर से इंसर्ट हो गया, दूसरा बुलेट फिर से इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये बुलेट बाहर निकल गया, जितना लेंथ होना था हो गया, थिकनेस जितना घटना था घट गया, आप कम से कम 150, 150, ठीक है, थिकनेस तब हो जाता है 150 to 100 मिलीमीटर, ऐसे थिकनेस आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया जब ये अचीव हो जाता है, उसके बाद इसको कन्वेयर रहता है, ठीक है, नीचे यहाँ पे कन्वेयर रहता है, फिट रहता है कन्वेयर, कन्वेयर की मदद से दूसरा मिल में, दूसरा जो रोलर्स होते हैं, नंबर ऑफ रोलर्स फिटेड है प्रोसेस में, उसमें चला जाता है, उसमें उसको भेज दिया जाता है कन्वेयर बेल्ट के साथ। कन्वेयर बेल्ट पता है, कन्वेयर बेल्ट एक डिवाइस है और एक बेल्ट है जिसके ऊपर वो रनिंग कंटिन्यूसली उसको घूमता रहता है, मोटर द्वारा इसको घुमाया जाता है, ताकि जो मटेरियल या फिर पार्ट्स जो कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर होता जा रहा है या फिर जो रेडी होता जा रहा है या फिर नंबर ऑफ प्रोसेस जहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसमें पार्ट्स को, बिलेट्स को या फिर मेटल को, मेटल पार्ट को उसमें कैरी ओवर करना, ठीक है, मूव करना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो ये तो आपका ब्लूमिंग मिल का काम होगा। ब्लूमिंग मिल को और भी एक मिल बोलते हैं, मदर मिल भी बोला जाता है, ठीक है। ब्लूमिंग मिल का और भी एक नाम है मदर मिल, ब्लूम करना, ब्लूम मतलब थिकनेस में इसको घटाना, चेंज करना, चेंज इन शेप, ओके, चेंज इन शेप। तो इसमें बेसिकली क्या क्या हम देखने को, ब्लूमिंग मिल में सबसे पहले दो रोलर रहते हैं, दो रोलर के बीच में बिलेट को पास करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहले मानिए अप्रॉक्स 1.5 मीटर आपका लेंथ का बिलेट है, उसको वो इंक्रीज होकर 3.5 to 5.5 मीटर हो जाता है, तब तक उसको प्रेस्ड किया जाता है, कंप्रेस्ड प्रेशर से प्रेस किया जाता है दो रोलर के ज़रिए। एंड जो स्क्वायर सेक्शन है उसको आपका 300 से 500 मिलीमीटर रहता है, उसका आप जब थिकनेस आपका थिकनेस तब तक घटाया जाता है जब तक कि वो 150 के आसपास या 200 से 150 के आसपास ना हो जाए, ठीक है, थिकनेस। तो ये दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लूमिंग मिल। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ, ये आपका टू, इसको ये जो मिल यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे टू हायर मिल, ओके, टू हायर मिल इसको बोलते हैं, टू हायर मिल मतलब दो जो वर्टिकली अटैच्ड होते हैं, जो दो मिल होते हैं, वो दो मिल के ज़रिए बिलेट को सेव किया जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस ब्लूमिंग मिल में जो करवाया जाता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि एक बार और फिर से देख लेते हैं, जो आपका रोलर यूज़ किया जाता है बेसिकली प्लेन रोलर और ग्रुप टाइप का रोलर। ग्रुप टाइप का रोलर्स में ही ज़्यादातर ये आपका जो रेल पटरी का सेप है वो पटरी का सेप को दिया जाता है, प्रॉपर सेप, डिजायर्ड सेप को अचीव किया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं थ्री हाई रोल मिल में, जिसमें जो इसमें क्या होता है ना, जो आपका टू हायर मिल है उसमें एक ही तरफ का डायरेक्शन होता है, मानी इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, दोनों एक ही तरफ का डायरेक्शन का इसमें
जा सकता है, ठीक है, ओके। अपोजिट डायरेक्शन में दो रोलर घूमता रहता है और एक ही डायरेक्शन में उसको प्रेस करता रहता है और ड्रॉ करता रहता है बिलेट को। अब नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ मील का बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो मील आएगा तो थ्री हाई मील, हायर मील, ठीक है, थ्री हाई रोल मील, ठीक है, थ्री हाई रोल मील। मील एक बात समझ लीजिए बस, मील जो इसलिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोलर्स उसमें अटैच्ड प्रोसेस में, इसीलिए उसको मील कह रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस में नंबर ऑफ रोलर्स लगे हुए हैं, तो थ्री हाई रोल मील भी, मील नहीं भी कह सकते इसको, थ्री हाई रोल, ठीक है, तो टू हाई रोल, इसके बाद थ्री हाई रोल, फिर फोर हाई रोल, उसके बाद क्लस्टर रोल, ठीक है, उसके बाद और बहुत सारा है, बिलेट रोलिंग प्रोसेस है। तो ये सब प्रोसेस को जो मील एक साथ में इतना रोलर्स काम कर रहे हैं, इतना रोलर सब लगे हुए हैं एक साथ, उसको सबको बोलेंगे रोलिंग मील्स, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो रोलर के बीच में बिलेट प्रेस्ड हो गया उसके बाद ख़त्म उसका प्रोसेस, नहीं, उसके बाद उसको कन्वेयर के मदद से दूसरे जगह, दूसरे मील में, दूसरे रोलर थ्रू उसको पास करवाया जाता है, ठीक है। तो थ्री हाई रोल मील में होता है बेसिकली जो तीन रोल रहता है, एक ऊपर में क्या होता है बिलेट, जो बिलेट रहता है, ठीक है, जो बिलेट रहता है, जो बिलेट को इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड में आप पुश करता रहता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता रहता है, दो रोलर्स हैं एक, और देख सकते हैं इधर एक को पुश करवाया जाता है, ठीक है, इधर से इसको पुश करवाया जाता है, ये एक बिलेट है, ये एक बिलेट है जो कि इधर जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड, एंड ये एक बिलेट है जो कि इधर, इसको फिर मतलब इधर से जाके फिर दूसरा कोई रोलिंग मिल के ग्रुप रोलर्स के थ्रू पास होके फिर इधर से आ रहा है, ठीक है, फिर इसका थिकनेस घटाया जा रहा है, फिर लेंथ बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा एक नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ पासेस होते हैं। तो ये बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है, ये बैकवर्ड आ रहा है। तो ये हो गया थ्री हाई रोल, ठीक है। अब आते हैं फोर हाई रोल्स में क्या होते हैं, इसमें सेम साइज का तीन रोलर, थ्री हाई रोल में सेम साइज का तीन रोलर लगे होते हैं, ठीक है, सेम स्पीड में इसको घुमाया जाता है, दो अपर दो रोलर लगे होते हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करता है बिलेट को, एंड जो बीच वाला रोलर है वही दो बिलेट को, दो बिलेट को साथ अटैच रहता है, जो बीच में मिडिल, जो ये मिडिल रोल है, मिडिल रोल, ठीक है, ये दो बिलेट के साथ अटैच हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, और दोनों के एक साथ वो पुश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जो कि ऊपर वाला बिलेट को फॉरवर्ड में पुश कर रहा है, एंड जो नीचे जो आपका लोअर बिलेट है, लोअर जो इधर से आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, उसको बैकवर्डली पुश कर रहा है, ठीक है। आप नेक्स्ट आते हैं फोर हाई रोल, ओके, फोर हाई रोल में क्या होता है, नंबर ऑफ रोल्स एक्चुअली फोर है, जिसका जो एक्चुअली जो बीच वाला रोलर है, बीच वाला जो रोल्स हैं वो छोटे छोटे रोल्स रहते हैं इसमें, ठीक है, बीच वाला जो रोलर होते हैं वो स्मॉल रोलर उसमें फिट रहता है, बीच वाला रोलर देख सकते हैं यहाँ पे, जो बिलेट को पुश किया जाता है, ओके, बिलेट को पुश किया जा रहा है यहाँ पे, जो इसमें बीच में छोटा छोटा रोलर फिट किया जाता है, एंड जो इसमें ये बड़ा रोलर का काम क्या है, जो ऊपर में सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, सबसे जो ऊपर रहता है बड़ा रोलर, बड़ा बड़ा जो बिग साइज रोल्स जो रहता है, जो कि स्मॉल रोल्स को प्रेस्ड करके रखता है, एंड उसको जो प्रेशर बनाए रखता है और सही से उसको यूनिफॉर्म स्पीड उसमें बनाए रखता है, ठीक है, प्रेशर बनाए रखने के लिए और दूसरा सेप देने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटा रोल्स का भी काम दूसरा है, बड़ा रोल्स का भी काम दूसरा है, मीडियम साइज रोल्स का भी काम दूसरा है, तो स्मॉल रोल्स इसलिए यूज़ किया जाता है इसको प्रॉपर सेप दे पाए, ठीक है, और प्रॉपर थिकनेस और प्रॉपर लेंथ अचीव हो, ठीक है, थिकनेस ज़रूरी है, कितना थिकनेस चाहिए,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर मैंने पहले पिछले क्लास में बात किया था, जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है, जो ये हमारे हॉट प्रोसेस, हॉट रोलिंग प्रोसेस होते हैं ठीक है। तो हॉट रोलिंग प्रोसेस में ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होता जाता है बार बार ठीक है, नया ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है, नया प्रॉपर्टी, नया मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर मिलता है ठीक है, जो कि कोल्ड रोलिंग में नहीं मिलता है ठीक। इसमें एक बार डिफॉर्म, हॉट रोलिंग में एक बार डिफॉर्म होने से वो डिफॉर्म हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो रिगेन नहीं होता अपने सेप में ठीक है। तो ये हो गया फोर हाई रोल्स, जिसमें कि बड़ा रोलर्स तो रहता है सबसे ऊपर और बीच में दो छोटा रोलर्स रहते हैं ठीक है, जो यूनिफॉर्म स्पीड उसमें देने के लिए बड़ा रोलर्स को यूज़ किया जाता है और प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें जनरेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है क्लस्टर रोल। एक क्लस्टर रोल में क्या होता है, क्लस्टर रोल में मेटल बिलेट को, जो मेटल बिलेट रहता है क्लस्टर रोल में, इसके नंबर ऑफ रोलर्स लगे हुए होते हैं ठीक है, स्मॉल रोलर्स बीच में लगे हुए होते हैं और इसको स्मॉल रोलर्स को बराबर से प्रेशर बनाए रखने के लिए और बराबर यूनिफॉर्म स्पीड देने के लिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ से आप यहाँ से बड़ा बड़ा रोलर्स रोल्स लगे होते हैं ठीक है। बेसिकली फोर हाई, जो बिग साइज रोलर्स लगे होते हैं। ओके, देख सकते हैं यारों मैंने दे दिए किस तरह से घूम रहा है, कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन उसको पुश कर रहा है बिलेट को। ठीक है, बीच में देखिए यहाँ पे छोटा रोलर्स देखिए दो, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको घुमा रहा है कौन, दो जो बिग साइज रोल्स है वो उसको स्मॉल साइज रोल्स को घुमा रहा है ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पुश करेगा इधर फॉरवर्ड में ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है ठीक है, एक जो जिसका ऊपर में देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सी डब्ल्यू ठीक है, ये सी सी डब्ल्यू है, ये आपका सी सी डब्ल्यू है, ये सी सी डब्ल्यू है ठीक है, और ये जो स्मॉल है, स्मॉल रोल्स ये सी डब्ल्यू है क्लॉकवाइज, सी सी डब्ल्यू मतलब काउंटर क्लॉकवाइज ठीक है, और ये सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज। तो ये हो गया क्लस्टर मिल, जिसमें नंबर ऑफ रोल्स लगे होते हैं, जैसा आपको शेप चाहिए, जैसा आपको बिलेट का शेप चाहिए, बिलेट का थिकनेस चाहिए, उसके हिसाब से रोलर्स फिट किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है ठीक है। तो ये हो गया क्लस्टर रोल। तो इतना प्रकार का रोल आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी को सबको बोलेंगे रोलिंग मिल्स, जिसमें कि मेडल बिलेट को पास किया जाता है, नंबर ऑफ पासेस होता है उस पास में ठीक है। मानिए यहाँ पे आपका एक टू हायर रोल्स के द्वारा पास हुआ, फिर कन्वेयर बीच में फिट किया हुआ है, कन्वेयर की मदद से फिर यहाँ पे गया, फिर ये बिलेट जो कि आगे जाके मानी इतना पतला हो गया, इतना पतला और लेंथ में बढ़ गया ठीक है, जो ब्लूमिंग मिल है उससे गुजरने के बाद, और फिर आगे जाके ये थ्री हाई रोल से होके गुजर रहा है ठीक है, थ्री हाई रोल से गुजर रहा है या फिर क्लस्टर रोल से गुजर रहा है, जो क्लस्टर रोल से यहाँ पे फिट किया हुआ है, क्लस्टर रोल से इसको गुजारा जा रहा है ठीक है, क्लस्टर रोल से गुजारा जा रहा है, फिर आपका आगे जाके फिर ब्लूमिंग मिल या फिर टू हाई रोल मिल से उसको गुजारा जा रहा है, या फिर ग्रुप्ड रोलर्स उसमें लगे होते हैं ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी टू हाई रोल, फोर हाई रोल, थ्री हाई रोल या फिर क्लस्टर रोल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे शेप ऑफ रोलर नहीं बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि प्लेन और ग्रुप टाइप का रोलर्स शेप में मिलता है, उसमें आपको डिपेंड करता है कि जॉब मेरा कैसा होगा उसके हिसाब से। बेसिकली बार अगर क्रिएट करना है, बार फ्रीफॉर्म करना है, तो नॉर्मली प्रेस्ट करके, जैसे कि आपको ये क्रॉस सेक्शनल बार है, बिलेट है ठीक है, क्रॉस सेक्शनल बिलेट है, सेप है, फ्रंट से फ्रंट व्यू है, ये बिलेट का सेप है ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करके आपको राउंड सेप में लाना है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस बेसिकली 15 प्रोसेस में दिखाया गया बुक में, 15 नंबर ऑफ पासेस, पासेस ओके, ये इतना ये वाला शेप में आ रहा है ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फाइनल स्टेप है। तो
ऐसा करके आपको नंबर ऑफ पासेस देना होता है। नंबर ऑफ पासेस के में आपका उससे टू हाई रोल मिल हो सकता है, जिसमें कि फोर हाई रोल हो सकता है, क्लस्टर रोल हो सकता है। सब पासेस के बाद ये सेव आपको मिलता है, ठीक है। बार बार उसको दबाया जाता है, बार बार उसको प्रेस्ट किया जाता है, बार बार उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेव का रोलर से उसको प्रेस्ट किया जाता है, हाई कंप्रेसिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और सेप में उसको बार बार चेंज होता है। चेंज होने के बाद जब फाइनल स्टेप आता है, जो वो सर्कुलर स्टेप में वो बदल जाता है, जो कि पहले आपका क्रॉस सेक्शन में था, ठीक है, स्क्वायर सेक्शन में था, वो आप सर्कुलर स्टेप में बदल जाता है। तो ये हो गया प्रोसेस आपका जो रोलिंग मिल्स होता है, इंट्रोडक्शन टू रोलिंग मिल्स, बस यही है। एग्ज़ाम में आए तो ये सब लिखना है और ये सब आपको करना है, और थोड़ा और भाष जानना है तो बुक फॉलो कीजिए और नेट का सोर्स ले सकते हैं।